मैं यहाँ बता दूँ कि हीरो मोटो कॉर्प ने ना हाल में ही बहुत बढ़िया मॉडलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो एक एग्जीबिट किया था एक बकायदा एग्जीबिशन के अंदर। और इसके बारे में जब मैंने पढ़ा और जब इसको देखा, इसकी वीडियो जो मैंने देखी, मैं हैरान हो गया, भाई ये तो बिल्कुल इंस्पायरिंग है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी वीडियो देखे तो मैं इंस्पायर हुआ ही हुआ, बट ये लोग इंस्पायर हुए थे बैटमैन की मूवी से। जी हाँ दोस्तों, आपने बैटमैन की मूवी में देखा था ना कि वो बटन दबाते ही पूरी उनकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ थी वो बकायदा चेंज हो जाया करती थी बैटमैन वाली गाड़ी के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर जो बेसिकली ये एक थ्री व्हीलर की फॉर्म में है, जैसे आप इसका बटन दबाते हैं ये थ्री व्हीलर से टू व्हीलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है केवल 3 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों जहाँ पे जब देख पा रहे हो इसको बकायदा सर्ज के नाम से जो है एग्जीबिट किया था एग्जीबिशन के अंदर। इसका पूरा नाम है सर्ज S32। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो थ्री व्हीलर है ये टू व्हीलर के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है केवल 3 मिनट के अंदर। बेसिकली ये कार्गो व्हीकल है जिसके अंदर आपको बकायदा एक अच्छा खासा कैबिन मिल जाएगा, वाइपर ब्लेड्स मिल जाएंगे, हेडलैम्प्स मिल जाएगा, विंडस्क्रीन मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये सारे फीचर्स जो है इसके अंदर रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप बटन दबाते हैं और इसको टू व्हीलर में कन्वर्ट करते हैं तो जो आज की डेट में जितने भी मॉडर्न फीचर्स जो मिल रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर, स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ मिलेगा उस टू व्हीलर के अंदर। मजे वाली बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे कन्वर्जन को लगते हैं केवल 3 मिनट। मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ लेकिन मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा था इस वीडियो को देख। जब इसके बारे में स्टडी करी तो भाई पता चला कि अभी इसकी लॉन्चिंग डेट, प्राइस वगैरह अभी फिलहाल के लिए उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, बट काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की थी। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बकायदा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब हम थ्री व्हीलर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी मिलने वाली 11 किलोवाट आर की, टू व्हीलर के अंदर बकायदा ये 3.5 किलोवाट के आर की हो जाएगी। पावर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको 10 किलोवाट की पावर मिलने वाली है थ्री व्हीलर के अंदर, वही आपको टू व्हीलर के अंदर ये 3 किलोवाट की मिलने वाली है। स्पीड आपकी यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आर की रहने वाली है विथ 500 किलोग्राम के वेट के साथ थ्री व्हीलर के अंदर। वहीं टू व्हीलर के अंदर आपको यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। ठीक है ना, मजे वाली बात। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यार इसके प्राइस के बारे में इसके कब लॉन्च होगा अभी फिलहाल कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, भाई इतना बताया कि ये 4 वेरिएंट में अवेलेबल होगा। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा भाई कब तक ये आता है मार्केट के अंदर, पर है बढ़िया चीज़। मैं सच बोलूँ ये हीरो मोटो कॉर्प ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकाली है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, नॉन के साथ। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, और यार बटन दबा दिया करो टिंग 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 वाला, ठीक है, दबा दिया करो ताकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन डालूँ आपको उसका अपडेट, आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए